बैग बैग दो बेबी। मेरा बैग, मेरा बैग को है, मेरा बैग दे दो, मेरा बैग। अरे 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 अपना बैग, बैग! थैंक गॉड, कैसे आपको शुक्रिया करूं मैं तो खुद कुछ कर ही नहीं सकती। नहीं, मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, कि तुम ऐसे इत्तेफाक था कि वो मेरी गाड़ी से टकरा गए। डाकुओं से लड़ना तो मुझे भी नहीं आता जी, मगर देखिए आप इस वक्त घबरा गई हैं, जस्ट रिलैक्स। आप एक काम ऐसा करें कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, कम विद मी। जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देखिए डरिए मत, आप खुद जाएंगी, शायद वो आपको फिर हरास करे। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, सॉरी। थैंक यू। देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से एहतियात आप ही को बरतनी चाहिए। एक अकेली लड़की एटीएम से इस तरह निकल रही है, आजकल के हालात आप जानती हैं, हरासमेंट का बहुत खतरा होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन चलो खुदा का शुक्र है कि आपके पैसे वगैरह बच गए। आप जैसे फरिश्ते की वजह से। बाय द वे मेरा नाम हुमायूं है, आपका नाम जान सकता हूँ? आयशा, मैं कहाँ ड्रॉप करूँ आपको? जी मैं सोसाइटी में रहती हूँ, अगर आपको जहमत ना हो तो। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, बल्कि मैं भी उसी तरफ जा रहा था। कहाँ रहते हैं आप? हिल पार्क के पास। और कौन कौन है आपके घर में? मुझसे बड़ी बहन है। आपकी बड़ी बहन मैरिड है? नहीं, मुझे सिर्फ 2 साल बड़ी है वो। ओ, अच्छा जी, ये वाला अपार्टमेंट है प्लीज। ऑल राइट, आप अंदर आएंगे प्लीज? नहीं नहीं, कहीं आपके घर वाले डाकू का बदला मुझसे ना ले लें। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेरी अम्मी और बहन है और दीदी, प्लीज टू मीट यू। ओके। आयशा मार्केट तक गई थी, न जाने किस लड़के को साथ ले आई है। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूँ, ड्राइंग रूम में बैठा है, अभी देखकर आती हूँ। किसको लेकर आई हो तुम? अरे फुल फिल्मी सीन हो गया। हाँ, उसने तुम्हें गुंडों से बचाया होगा और फिर तुम्हें घर ड्रॉप करने आया होगा, है ना? अरे नहीं यार, गुंडे नहीं थे, डाकू थे। यार लखर, क्या हो गया था? अम्मी सही सलामत आपके सामने खड़ी है, इसका मतलब सब ठीक है। मेहमान से कोई चाय पानी तो पूछ लो। अरे हाँ, वही तो पूछने आई थी। हमसे नहीं, अपने मेहमान से पूछो। अम्मी आप प्लीज टेंशन मत ले, हम देखें। एक लड़के ने तुम्हारी रात की नींदें उड़ा दी। सच बताओ, अच्छा था ना? हाँ था तो। सुनो जरूर सुनो, वो मुझे प्रपोज करेगा ना? ये कोई फिल्म नहीं चल रही। क्यों, जिंदगी पे तो बनती है फिल्में? जिंदगी पे बनती है, लतीफों पे नहीं। अच्छा ना, तेरी अच्छी बहन हो ना, मेरा एक काम कर दो प्लीज। हाँ, कि उसके दिल में झांक कर तुम्हारे दिल का हाल सुनो, है ना? आप सुना कि मैं सुस्ती। अच्छा ठीक है ठीक है, कह दूंगी उसे, लेकिन फोन पर मिलूंगी नहीं। खाम खाना जान ना पहचान। हाँ मैं भी इसके हद में नहीं हूँ। ये लो बात करो अभी। हाँ नंबर कहाँ गया? खेरा हेलो हेलो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप कौन? वो जी आप अभी हमारे घर आए थे ना चाय पीने। मैं आपके घर चाय पीने नहीं, बल्कि आपको ड्रॉप करने आया था।
नहीं नहीं वो मैं आयशा की बड़ी बहन बात कर रही हूँ। अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, मैं तो आप ही का नंबर लेना चाह रहा था। वो जी एक्चुअली आयशा आपको आपने अपना नाम शायद सारा बताया था। जी और आयशा से कुछ 2 साल बड़ी हैं। जी और लगभग मुझसे कोई 5 साल छोटी है। हाँ जी शायद। गुड मैं आपसे बात करूँ बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं बोलिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने और मुझे कोई चीज कॉमन, शायद आपकी सादगी या फिर शायद आपकी सच्चाई। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए हमें एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त तो लगेगा ना, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? जी जी क्योंकि मुझे आप पहली ही नजर में बहुत अच्छे लगे। क्या हुआ? तुम्हें ये सब बातें कौन सिखाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चों में फर्क करें? हाँ ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है, बचपन से लेकर आज तक यही तो देखती आई हूँ। ऐसा जो कुछ तुम सोच रही हो हमेशा हर चीज सायरा की होती है, हमेशा वो ही चूज करती है, मेरे खिलौने, मेरी डॉल, स्टोरी बुक्स। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आपकी लाडली बेटी है इसलिए। ये सब कुछ तुमने खुद से सोच लिया है। मैंने कुछ नहीं सोचा, सब कुछ आपने मुझे सोचने पर मजबूर किया है। मायू को मैं लेकर आई थी, वो मेरी पसंद थी, लेकिन सायरा ने उसे पसंद कर लिया, और आप उस वक्त भी आप मेरे साथ इंसाफ नहीं कर सकी। मायू ने खुद सायरा को प्रपोज किया था, उसकी अपनी पसंद थी। जो कुछ भी मेरी पसंद होती है हमेशा वो सायरा की पसंद हो जाती है, और वो भी आपकी नजरों के सामने। उस वक्त भी आप कुछ नहीं कह सकती थी। इस वक्त तुम मुझसे मिलो, जब तुम रिलैक्स हो जाओगी तब तुमसे बात करूंगी। जिंदगी आपने मुझे रिलैक्स होने का मौका ही कर दिया जब देगी। हुमायूं मेरी पसंद थी, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन हुमायूं को कोई मुझसे छीन ले ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसा क्या करोगे? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इस तरह अचानक मेरी जिंदगी में आ जाएगा। काश ये खुशी मुझे मेरी मां की जिंदगी में मिल जाती। वैसे आप बोल तो सकती हैं ना? जी जी हाँ, बस इसी रात दुल्हन खामोश रहती है, उसके बाद वो सारी जिंदगी बोलती रहती है और शोहर बेचारा सुनता रहता है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदाफिस। अरे अरे नाश्ता नहीं करेंगे क्या?
वाह, मुझसे तो कहीं ज्यादा तैयार तुम लग रही हो। ऐसा लग रहा है कि ऑफिस मुझे नहीं तुम्हें जाना है। अगर आप मुझे ऑफिस ले भी जाएंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। नहीं भाई, तुम्हें ऑफिस ले गया तो ऑफिस वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे एक महीने के हनीमून के बाद आया अभी तक मोहब्बत खत्म नहीं हुई। आप उनसे कहिएगा कि मोहब्बतें खत्म होने के लिए नहीं होती। वाकई? क्यों, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया? तुम्हारी बात पे एतबार ना हो ऐसा हो सकता है। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ, सजा सवरा खूबसूरत। मैं आपको हमेशा ऐसे ही मिलूंगी इंशाल्लाह। चलो मैं जा रहा हूँ। मैंने इतने प्यार से नाश्ता बनाया आपके लिए, प्लीज थोड़ा सा खा ले। ओके, आफ्टर यू। हाँ हाँ ठीक है, ख्याल रखना, मैं कुछ करती हूँ, इतला देते रहना, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज। आयजा, आयजा कहाँ गई ये लड़की? आयजा जी, मामा आपने बुलाया था? हाँ बेटा, वो हुमायूं का फोन आया था, सायरा हॉस्पिटल में एडमिट है। हर साल यही तो करती है, कौन सी कोई नई बात कर दी उसने? दो बच्चे पैदा हो गए, मैंने ठेका नहीं लिया हुआ उसका। मुझे शुगर का प्रॉब्लम ना होता तो मैं खुद चली जाती, तुम्हें ना कहती। अगर वो मेरे आश्रय पे अपने बच्चों की फौज बना रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा अपना ऑफिस होता है, मैं थक जाती हूँ, रिलैक्स करने का टाइम भी नहीं मिलता। तुम्हारा ऑफिस जाना इतना जरूरी नहीं, तुम्हारे न जाने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। हुमायूं का अपना ऑफिस है, मैंने इसीलिए तुम्हें जॉब की इजाजत दी थी कि घर की बात है। यानी इस एहसान के बदले हर साल सायरा के बच्चे पाला करूं? वो तुम्हारी बहन है, दुश्मन थोड़ी है। ये जबान से मैंने नहीं कहा, लेकिन वो मेरी दुश्मन से कम नहीं है, उसने मेरे हक पर डाका डाला है। तुम ये बात भूल क्यों नहीं जाती? जब जब हुमायूं को देखती हूँ मेरे अंदर का लावा दहकने लगता है। अपना दिल साफ करो, अल्लाह ताला नियतों का हाल जानता है, तुम्हें भी इसका अजर और सवाब मिलेगा। मैं सारी जिंदगी सवाब कमाती रहूं और अपना दिल जलाती रहूं, है ना? या अल्लाह, इस लड़के को कौन समझाए, ये बात भूल क्यों नहीं जाती? मिठाई खाओ। कम इन। ये लीजिए सर, मिठाई खाइए, आपकी फैमिली में एक और इजाफा हो गया। दो दिन पुरानी खबर की मिठाई आज ला रही हो तुम? मैं तो सोच रही थी कि ऑफिस वाले भूल गए होंगे, लेकिन खाना पीना कौन भूलता है। ठीक कह रही हूँ। तुम ऑफिस क्यों आ गई? सारा के पास कौन होगा पीछे? मामा पहुंच गए हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। बॉस, कभी मुझे भी रिलैक्स होने का मौका दीजिए। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम मुझे बात बात पे बॉस क्यों कहती हो। आपकी सेक्रेटरी तो हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनी साली समझता हूँ, सेक्रेटरी तो नहीं समझता। क्यों, आपके बच्चों को पाल रही हूँ, मुलाजमा नहीं तो? देखो, ऐसे मौके जिंदगी में कभी कभी आते हैं और ऐसे मौके बार बार आते हैं जब आप मुझे लंच के लिए लिफ्ट नहीं कराते। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह सिर्फ एक कप चाय और बिस्किट खाए थे। ओहो, तुम्हें कितनी दफा मैंने कहा खाना ऑर्डर कर दिया करो, तुम्हें मना किसने किया? ऑर्डर कर दिया, आज मेरा लंच आपके रूम में। ठीक है। अरे ये क्या कर लिया, सारा जूस अपने कपड़ों पे गिरा लिया। चलो मैं चेंज करूं। चलो चलो चलो। ओ, अच्छा तुम जाओ चेंज करो, मैं आ रही हूँ। क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने अपना, न बाल सेट है, कपड़े भी गंदे पहने हुए, लग रहे कि तुमने आज अपना मुंह भी नहीं धोया। अरे बच्चों से फुर्सत मिले तो कुछ करूँ ना, कभी एक के पीछे भागो फिर दूसरे के पीछे भागो। हजार बार तुमसे कहे एक मेड रख लो,
तुम्हें ही आसानी होगी। तो मुझे कोई मुश्किल भी नहीं है और मुझे कोई परेशानी नहीं है। रात को तो पता है कि बच्चे मेरा ख्वाब थे। वो तो ठीक है, मगर अपने हाल से तो बेहाल नहीं होना। बच्चों वाली माएं अगर बेहाल भी हो ना तो बुरी नहीं लगती, और कोई उनको बुरा नहीं कहता। ये तुम्हारा जाती ख्याल है, खा लो। जब आप लोगों के भी 2-4 बच्चे होंगे ना तब पता चलेगा, ऐसे ही हाल होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। सायरा से कहा कीजिए कि ऑफिस भेजने से पहले आपको देख लिया करे। ओहो, इस बेदहानी में तो मैं बैंक भी चला गया। वो हर वक्त बच्चों में इतना लगी रहती है, उसको अपना होश नहीं होता, मेरा ख्याल क्या खाक रखेगी। आखिर और भी कपल्स हैं जिनके बच्चे होते हैं, ये पहली बार देखा है मैंने। अच्छा ना, ऐसा कभी कभी हो जाता है। हो गया, ठीक है। सब मजाक उड़ा रहे थे। क्या कह रहे थे सब? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हंस जरूर रहे थे। अच्छा, अभी काम का इतना लोड डालूंगा, हंसना तो दूर, टेबल से सर उठाने तक की फुर्सत ही मिलेगी। हाँ हाँ, तो ये आवाज कैसे नहीं पहचानूंगा। हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बीवी बच्चे सब लोग बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ। नहीं यार, आज मत आओ। एक्चुअली मेरे बीवी बच्चे सो गए हैं। बीवी मेरी सारा दिन बच्चों में लगी रहती है, इसलिए थक के जल्दी सो जाती है। तो ऐसा करते हैं ना, कल का करते हैं, कल मैं ऑफिस से भी जल्दी आ जाऊंगा। चलो ठीक है, सॉरी फॉर टुडे यार। हाँ, आई विल सी यू टुमारो। ओके ओके, खुदा हाफिज़। क्या हो गया? Very nice. ये लो, ये लो। तुम्हें पता मैं कल रात को कहाँ सोया था? भाई जब तक अली का बेड बनकर नहीं आ जाता तो ये प्रॉब्लम तो रहेगी ना। वो आसिफ का फोन आया था, वो शाम को आने के लिए कह रहा था। अच्छा ठीक है। और मुझे भी तुमसे मिलना था, वक्त होगा तुम्हारे पास? नहीं। जाहिर सी बात, तुम्हारे पास अपने लिए वक्त नहीं होता, मेरे लिए कहां से निकालोगे? हर वक्त देखो भंगन मनी फिरती रहती। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। डिओड्रेंट, मेकअप, ब्लश और सब कुछ तुम्हारी टेबल पे पड़ा हुआ है, क्या उसको सजाने के लिए रखा है तुमने? इस्तेमाल किया करो अपने ऊपर। साहब भाई, सब इस्तेमाल कर लूंगी, आप टेंशन नहीं लें। नाश्ता कहा है? वहां टेबल पे रखा, कर लो। तुम नहीं करे? हम कर चुके। अरे नाश्ता चले। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। खुदा हाफिज। डिफरेंट लग रही हो ना? हाँ। ऑफिस के सारे लोग कह रहे थे कि आज बहुत डिफरेंट लग रही है। लुक, ये ड्रेस मैंने खुद डिजाइन किया है। हाँ, अच्छी लग रही। आपने मेरी तारीफ नहीं की। और कैसे करते हैं तारीफ?
ऐसे कि आंखें भी बोले और जुबान भी। तुम वाकई बहुत डिफरेंट लग रही हो। डिफरेंट लग रही हूँ, प्यारी नहीं? अब भाई क्या कहते हैं कैसे कहते हैं मुझे नहीं आता। अगर आप मुझे डिनर पर जाने का वादा करें तो ये सिखा सकती हूँ। ठीक है, डन डन। श्योर। पता नहीं कहाँ रह गए हमारे। पता है आप हमेशा मुझे क्यों अच्छे लगे? क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। थैंक्स। तुम भी काफी अट्रैक्टिव हो, स्पेशली तुम्हारी आंखें, इतनी बड़ी बड़ी, वेरी डीप। आज आपने पहली बार मेरी तारीफ की है। किसी क्लाइंट का फोन था। सुबह बात कर लूंगा। Don't want to take any calls right now. एक काम कीजिएगा, सुबह आप ग्रे सूट पहनिएगा, आप पे बहुत अच्छा लगता है। और जब हम पहली बार मिले थे ना, तब भी आपने ग्रे सूट पहना हुआ था। ओके। वेरी गुड। आप आजकल बहुत लेट नहीं आने लगे? दफ्तर में काम का लोड कुछ ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, शाम में जरा जल्दी आ जाइएगा, अली को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाना है। वो डॉक्टर मापारा को फोन कर लो, वो घर पे आ जाएंगे। मैं चाह रही थी कि आप ले जाते। क्यों, तुम कहाँ मसरूफ हो? माई, हमारे दो बच्चे और भी हैं। ठीक है, देखूंगा, टाइम मिला तो आ जाऊंगा, वरना तुम ले जाना। बाल शैंपू कर लेना, बहुत ड्राई हो रहे हैं। अगर तीनों बच्चे एक ही टाइम पे सो गए ना तो फिर कर लूंगी, वरना तो फिर संडे को ही टाइम मिलेगा जब आप बच्चों को संभालेंगे। खुदाफिज। खुदाफिज। पूरा फिनिश करना है। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, स्कूल वैन आ गई। अपना बैग लेकर आओ जल्दी से। अरे तुम यहां बैठी हुई हो, तुम्हारी खाली कुर्सी देखी, मैं समझा तुम आ जाए नहीं। अरे नहीं, आप तो जानते हैं कि आपकी परमिशन के बगैर मैं छुट्टी नहीं करती। कौन सा शैम्पू यूज करते हैं आप? शैम्पू? इतनी डेंजरफ हो रही है। इट्स ओके, कभी हमें भी खिदमत का मौका दे। आखिर साली आधी घर वाली होती है। परफेक्ट। एक्सक्यूज मी,
कितनी गिरे अब गिरे अब बाकी भाई, तुम्हारी मंजिल तो आ गई। ओके, I'll see you tomorrow. ओके ओके। बाय। आयजा, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। क्यों? अच्छा, वो हुमायूं कहाँ है? अभी तक घर नहीं आए। वो तो पार्टी पे गए हैं। पार्टी में? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरा फोन नहीं पिक कर रहे। ऑब्वियसली बात है, इतनी लड़कियों में वो तुम्हारा फोन क्यों अटेंड करेंगे? कैसी पार्टी है? डार्लिंग, बिजनेस पार्टी तो ऐसे ही होती है। मैं यहाँ अकेली तीन तारा शोहर। बाय। आप आ गए? हाँ। तो बेडरूम में क्यों नहीं आए? मुझे पता था तुम सो रही होगी। इतनी देर से आजकल आएंगे तो यही होगा ना? वो आज ऑफिस में काम बहुत था। आज तो आप पार्टी में गए थे। हाँ, डांस पार्टी में गया था, नाच रहा था वहां पर। अब बोलो। मुझे सब पता है आपका। क्या पता है? मुझे पता है आजकल किस किस्म की लड़कियों के साथ उठना बैठना है आपका। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि आप अब शादीशुदा हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जाओ जाके अपनी नींद पूरी करो। हुमायूं, आप बहुत चेंज हो गए, क्यों कर रहे हैं इस तरह मेरे साथ? देखो, तुम्हारे दिमाग को सख्त आराम की जरूरत है, जाओ जाके नींद पूरी करो। और वैसे भी इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाह रहा। तुमने खुद ही हुमायूं भाई को खुद से दूर किया है। तुम्हारे कौन से नए बच्चे हो गए कि तुम्हें उनके सिवा किसी का होश नहीं है? तो वो सिर्फ मेरे बच्चे तो नहीं है ना, हुमायूं के भी बच्चे। अगर मैं उनका ख्याल रखती हूँ तो उनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं अपना दिन रात एक करती हूँ उनके लिए।
जब बीवी मर्द को तवज्जा नहीं देती तो मर्द बाहर ही देखता है। आज सुबह भी मैंने बहुत खरीदने की कोशिश की थी, बहुत पूछा लेकिन कुछ नहीं बताया उन्होंने। जब वो तुमसे बात नहीं करते तो वो तुम्हें क्यों बताएंगे? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूंगा। हुमायूं भाई तुम्हारी कदर नहीं करते क्योंकि तुम हर वक्त अपने बच्चों की टेंशन को अपने सर पे सवार रखती हो। तुम्हें उनको झटका देना चाहिए, उन्हें भी तो पता चले कि औरत पे नकारा पुरजा नहीं है। मैं कैसे झटका दे सकती? अगर तुम प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ। हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊँ। तुम बताओ, मुझे अपना घर बचाना है। तो सुनो, तुम क्या करो, थोड़ी सी स्लीपिंग पिल्स खा लो और एक लेटर लिख दो, दैट्स इट। वो लेटर उनको मिलेगा और सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा? तुम्हारा सुसाइड लेटर पढ़ के उनके पैरों से तो जमीन ही निकल जाएगी, तब देखना कैसे सीधे होते हैं वो। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मुझे अपना घर बचाना। मैं अब और देर नहीं करूंगी। बोलो। हाँ ऐसा, अब बताओ क्या क्या करना है? बॉस कमरे में ही है, आज उन्हें कहीं जाना भी नहीं है, स्टाफ के साथ मीटिंग है। तुम लेटर का क्या करोगी? पूरा गेम प्लान हो चुका है। तुम्हारी स्लीपिंग पिल्स खाने के ठीक 10 मिनट बाद में हमारे भाई को तुम्हारा लेटर पहुंचा दूंगी, फिर देखना कैसे पागलों की तरह वो तुम्हें बचाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो लेटर को इग्नोर कर दे और मैं? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनके बच्चों को कौन पालेगा? हमारे भाई तुम्हें मरने नहीं देंगे। और हाँ, इस सारे गेम के बाद तो वो तुम्हारी और केयर करने लगेंगे। देख लो कहीं मैं, अरे अगर वो ना आए तो मैं तो हूँ ना। और एक और बात, स्लीपिंग पिल्स खाने के फौरन बाद बंदा नहीं मरता, 2 से 3 घंटे लगते हैं, उस सब तक तो मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बाय।
हाँ बोलो सायरा। हेलो, हाँ आयजा, वो मैंने 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 सारी पिल्स खा ली हैं। वो तुम फौरन उनको लेटर दे दो जाके, और सुनो तुम खुद भी एहसास दिलाना। हाँ तुम फिक्र ही मत करो, बस चादर ओढ़ कर बेड पर लेट जाओ, मैं हुमायूं को लेकर आ रही हूँ। ओके हाँ ठीक है, बाय। काम करता हूँ, एलिवेट पे यही मिल रहा है। ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या हुआ? सायरा का लेटर। इतनी गिर